नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। कान्हा जी के जन्म उत्सव पर हम आज बनाने जा रहे हैं मेवा पाक, जो उनको बहुत पसंद है और खाने में बहुत टेस्टी है। ये हम घर में आसानी से बना सकते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम एक चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी को हम गर्म होने देंगे। घी गर्म होने पे हम इसके अंदर थोड़े से बादाम डाल देंगे और इसे चलाते हुए भून लेंगे। ड्राई फ्रूट फ्रेंड्स आप अपनी मनपसंद के ले सकते हैं और कम ज़्यादा अपने मनपसंद से कर सकते हैं। देखिए बादाम हमारे भुन गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। बादाम भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 30 से 40 सेकंड में भुन जाते हैं। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। उसी घी के अंदर हम काजू भून लेंगे। देखिए काजू भी हमारे भुन गए हैं, इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही जल्दी भुनकर हमारे ड्राई फ्रूट तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स, और इन्हें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर बनाएं और कान्हा जी को ये काफ़ी पसंद आता है। उसी घी के अंदर हम मगज भून लेंगे, इसे खरबूजे के बीज भी कहते हैं, ये 4 चम्मच है। आप देख रहे हैं बहुत ही जल्दी भून के सभी ड्राई फ्रूट तैयार हो जाएंगे और इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। देखिए मगज भी मैंने भून लिए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। और ये बहुत ही कम घी में भूनकर तैयार हो जाते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून गूंद लिया है, इसको भी हम भून लेंगे। और मैंने आधी चम्मच घी इसके अंदर और डाला है और गूंद को भी हम इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि गूंद अच्छे से फूल नहीं जाता। आप देख सकते हैं गूंद अच्छे से फूल गया है और गूंद को भी हम निकाल लेंगे। ये मेवा पाक जो है फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम इस मखाने भून लेंगे। ये फूल मखाने हैं, ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए मखाने भी भुन गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट भूनने में फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 30 से 40 सेकंड लगते हैं और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी भून जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है गैस का फ्लेम आप मीडियम या लो रखें। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे और इसके अंदर 6 चम्मच हम खसखस भून लेंगे। खसखस भी बहुत जल्दी भूनकर तैयार हो जाती है। मैंने 6 छोटी चम्मच खसखस ली है। इसी तरह चलाते हुए खसखस को भी भून लेंगे। खसखस भी बहुत जल्दी फूल जाती है। खसखस हमारी भुन गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब 1 चम्मच घी वापस से डालेंगे और मैंने 1 गट नारियल के लिए जिसको कद्दूकस कर लिया है, इसे भी हम भून लेंगे। आप बाज़ार का नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं और नारियल का बुरादा आप घर में भी बना सकते हैं। गट बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और उसे कद्दूकस करके आप नारियल का बुरादा बना सकते हैं। इसे भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे लो फ्लेम पे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इस जन्माष्टमी ये मावा पाक ज़रूर बनाकर खाएं। और फ्रेंड्स ये आप किसी भी व्रत में बना के रख सकते हैं, इसे स्टोर करके रख सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ज़रूर बनाएं। देखिए नारियल का बुरादा भी हमारा भुन गया है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमें नारियल के बुरादे की कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप शुगर ली है और 1/4 कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे।
ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो शुगर सिरप बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमें एक तार की चाशनी बनानी है और इसे मिक्स करते हुए शुगर को अच्छे से घोल लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट हमने सेक लिए हैं, देखिए वो बहुत ही आसानी से फूट रहा है, गोंद भी और मखाने भी, इन सभी को मिक्सी जार में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। और चाशनी को भी अच्छे से पकने देंगे। देखिए चाशनी हमारी पक गई है, आप देख सकते हैं। अब हम चाशनी के अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच के करीब, और इसे मिक्स कर लेंगे। और चाशनी को हम चेक कर लेंगे कि हमारी एक तार की चाशनी बनी है या नहीं। देखिए आप देख सकते हैं एक तार आ रहा है इसमें। बहुत ही आसानी से हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छे से एक तार आ रहा है। अब हम इसके अंदर भुना हुआ नारियल का बुरादा डाल देंगे। और नारियल के बुरादे को चाशनी के अंदर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम सभी ड्राई फ्रूट जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किए हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। सभी चीजों को चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, इस जन्माष्टमी आप इसे जरूर बनाकर खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अपने कान्हा जी को भी जरूर भोग लगाएं, उनको भी ये काफी पसंद है। और ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने खूब सारा मेवा डाला है। देखिए ये डो तैयार हो गया है, गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स थाली को मैंने घी से ग्रीस कर लिया था, अब मेवा पाक का जो डो है वो हम थाली के अंदर डाल लेंगे सारा। देखिए फ्रेंड मैंने सारा डो डाल लिया है थाली के अंदर और चमचे पे से भी उतार लेंगे अच्छे से। और स्पैचुला की सहायता से अच्छे से इसे सेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के लिए मैंने पिस्ते की कतरन ली है, ये ऑप्शनल है, आप बिना गार्निश करे भी इसे बना सकते हैं। और पिस्ते को भी हम स्पैचुला की सहायता से अच्छे से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे, हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद में हम इसे कट करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स हमें इसे अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद में ही कट करना है। देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, ये ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट आप अपनी मनपसंद से पीसेस छोटे बड़े आप अपनी मनपसंद से कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगा। देखिए फ्रेंड मैंने इसे प्लेट में परोस लिया है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप ये मेवा पाक एक बार बनाएं और अपने कान्हा जी को भोग लगाएं और इस जन्माष्टमी इसे ज़रूर बनाकर खाएं। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फ्रेंड्स आप सभी को अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और राधे राधे, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।